इंदौर में कान्ह सरस्वती नदी के शुद्धिकरण को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा करने के उद्देश्य से इंदौर महापौर मालिनी गौर और निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बैठक आयोजित की। इस दौरान नमामि गंगे नदी संरक्षण एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद तारे शामिल रहे। देखिए रिपोर्ट। दरअसल कान्ह सरस्वती नदी के शुद्धिकरण को लेकर इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नमामि गंगे नदी संरक्षण एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद तारे शामिल हुए, जिन्होंने निगम अधिकारियों से नदी सफाई को लेकर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट को और भी प्रभावी बनाने को लेकर भी सुझाव दिए। इस दौरान नदी संरक्षण एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद तारे ने कहा कि नगर निगम इंदौर द्वारा कान्ह सरस्वती नदी के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट के पश्चात जो पानी रहता है उसका शहर में उपयोग होना चाहिए। इसके लिए शहर के मध्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि पानी को ट्रीट कर शेष रहे पानी शहर की नदियों में प्रवाहित हो सके व नदी का पानी कम ना हो। लास्ट टाइम जब मैं आया था उसके ऊपर काफी कुछ फॉलो अप हो रहा है, है ना? और जो एक मेन था कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जो ट्रीटेड पानी है वो शहर के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं शहर के बाहर करते हैं तो वो जो इस पानी ट्रीट होके जाता है उससे शहर का फ़ायदा नहीं होता है। तो शहर का फ़ायदा करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर के अंदर हो तो ट्रीटेड वाटर, और वो फिर जब नालों में या नदी में बहेगा तो नदी का इम्प्रूवमेंट। क्योंकि नदी का रिजुनेशन का मतलब है कि नदी में पानी की व्यवस्था भी करना है ना, तो नदी में पानी की व्यवस्था इसी तरह के। तो आई थिंक उस डायरेक्शन में अच्छे से काम हो रहा है ना? और कुछ चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग धीरे धीरे, जैसे वाटर बजट बनाना है, फिर नदी के ऊपर रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर है, तो वो आई थिंक धीरे धीरे सभी इंटीग्रेटेड वे में काम हो रहा है। हाँ, इनपुट तो एक तो ये दिया है कि लॉन्स वगैरह घास वगैरह जितनी कम से कम हो और पेड़ जितने ज़्यादा हो वो सस्टेनेबल होता है। दूसरा, रिवर को अपने शेप में रखा जाए, है ना, जहाँ चौड़ी है वहाँ चौड़ी रखी जाए, जहाँ जैसा बेंट है वैसा रहने दे। तीसरी चीज़ है कि कंक्रीटिंग जितनी कम से कम हो, पिचिंग या कंक्रीट जो नेचुरल उसका है, जहाँ बिल्कुल आवश्यक है लोगों के प्रोटेक्शन के लिए या जो हमारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डालना है तो डालना ही पड़ता है। पर यह है कि पूरे शरीर पे हमको प्लास्टर नहीं करना है, जहाँ फ्रैक्चर है उतनी ही जगह प्लास्टर करें, राइट, और बाकी जगह जैसा जितना नेचुरल छोड़ सकते हैं उतना नेचुरल छोड़ दें, ठीक है। और साथ साथ ये है कि आगे 10 साल 15 साल बाद हमको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो जितना पानी बाहर से आ रहा है उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर जितनी बार यूज़ कर सके, तो हमको बाहर के उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बता दें कि इस दौरान प्रोफेसर विनोद तारे ने वृहद स्तर पर पौधारोपण, शहर में क्रांकिट का उपयोग कम करने की सलाह दी। साथ ही आगे के 10 से 15 साल पश्चात भी जो पानी की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की बात कही। बहरहाल इन सभी सुझावों में से कितने सुझावों को निगम अमल में लाती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।